इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस घंटी वाले आइकन को दबा के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन ऑन कर ले। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जेएनयू के एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और ये जो नोटिस है दोस्तों, आप सभी के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सभी के लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है किसके रिगार्डिंग आया है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो स्टे इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिएगा। एंड दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पर जो आपका पेपर होगा एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के लिए, ठीक है, तो ये आपका कॉमन पेपर होगा सेम सब्जेक्ट के लिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ कि आप यहाँ पर एमफिल हिंदी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है उसमें अगर आप देखते हो तो एमफिल और पीएचडी का जो पेपर है वो सेम टाइम पर रखा गया है। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका एमफिल और पीएचडी के लिए जो पेपर है दोस्तों, वो जो है सेम डेट को यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए एमफिल पीएचडी, इधर आप देख सकते हो कि एमफिल और पीएचडी के सभी के लिए यहाँ पर जो है सेम डेट को सेम पेपर आपका यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों, ये जो आपका पेपर है यहाँ पर ये कॉमन होगा, बट इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो अलग अलग जाएगी। एमफिल की अलग होगी, पीएचडी की अलग होगी, लेकिन सेम सब्जेक्ट के लिए आपका जो पेपर होगा वो कॉमन पेपर होगा। इस नोटिफिकेशन में यही चीज़ बताई गई है। अब दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया है, फॉर्म में एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप जेएनयू की वेबसाइट पे जाके जो इनकी ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उस पर मेल कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन पर कॉल करके आप लोग जो है उनसे डिस्कस कर सकते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एमफिल और पीएचडी के लिए जो सेम सब्जेक्ट है उनका यहाँ पर कॉमन पेपर होगा, यही इस नोटिफिकेशन का मतलब दोस्तों यहाँ पर बनता है। ओके, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया है, पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।